नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मायागंज अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड का डीएम ने किया निरीक्षण, स्वास्थ्य प्रबंधक को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर लगी रोक, धार्मिक स्थलों को किया गया बंद। लॉकडाउन के दौरान आदेश की अवहेलना करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, दुकानों को कराया बंद, लोगों से घरों में रहने की अपील। महामारी को रोकने के लिए निगम प्रशासन ने चलाया अभियान, बाजारों में सैनिटाइजर का किया छिड़काव। और जमीन विवाद को लेकर बांका में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, आधा दर्जन लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जिले को लॉकडाउन करने का आदेश जारी करने के बाद सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम राज्य सरकार के निर्देश पर बनाए जा रहे 100 बेड के आइसोलेशन वार्ड पहुंचे और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरसी मंडल एवं कोरोना वायरस के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा से तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। डीएम ने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में बनाए जा रहे आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया और इस महामारी से बचाव के साथ हर तरह की आवश्यक उपाय करने का निर्देश अस्पताल प्रबंधक को दिया। इसके अलावा डीएम ने अस्पताल अधीक्षक सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह सहित कई चिकित्सकों के साथ बैठक की, जिसमें डीएम ने कोरोना संदिग्धों के सैंपल की जांच के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के साथ अस्पताल में भीड़ जमा नहीं हो, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिया। इस मौके पर डीपीएम फैजान असरफी, अस्पताल प्रबंधक समेत कई चिकित्सक एवं अधिकारी मौजूद थे। यहाँ हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया है, सरकार ने उसको हेल्प डेस्क के माध्यम से जहाँ पे कोरोना कोविड की जांच से ले जा सके। इसके अलावा यहाँ 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना है, वहीं पे कोरोना से रिलेटेड ओपीडी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। पेशेंट को कहाँ रखा जा सकता है, किस तरह की सुविधाएँ हम लोग और बढ़ानी चाहिए, उसमें इसी से संबंधित बातें थी। तो आए करीब करीब एक घंटे वो हम लोग के साथ, जो हम लोगों ने नया वार्ड है कोरोना के लिए लिया है, एमसीएच वार्ड बोलते हैं उसको, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ वार्ड एमसीएच वार्ड है। तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ वार्ड को एक्वायर किया गया है और 100 बेड उसमें अभी लगवाया जा रहा है और उसमें क्षमता 150 बेड की है। बिहार में लॉकडाउन घोषित होने के बाद भागलपुर के मस्जिदों और खानकाहों में तालाबंदी कर दी गई है और सामूहिक रूप से मस्जिदों में नमाजियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल मस्जिदों के जिम्मेदारों ने यह निर्णय कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए लिया है। इसके पूर्व जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, सदर एसडीओ आशीष नारायण, डीटीओ मोहम्मद फिरोज और जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी राहुल कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के मौलवी और उलेमाओं के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने धार्मिक गुरुओं से कोरोना वायरस के खतरे और बिहार में लॉकडाउन के आदेश का हवाला देते हुए मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर रोक लगाने की बात कही। साथ ही डीएम ने कहा कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान एसएसपी आशीष भारती ने विदेश से आने वालों की सूचना पुलिस प्रशासन को देने की बात कही, जबकि सदर एसडीओ आशीष नारायण ने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बैठक में अधिकारियों ने सरकार के निर्देश का पालन करने और जनता से सहयोग करने की अपील की। वहीं डीएम के निर्देश पर भागलपुर मौलाना चक स्थित खानकाह सहवाजिया, ततारपुर जामा मस्जिद, भीकनपुर जामा मस्जिद समेत कई इबादतगाह और दरगाह पर सामूहिक रूप से लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। खानकाह सहवाजिया के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर अकीदतमंदों से लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। भागलपुर में हालांकि राहत भरी खबर यह है भागलपुर वासियों के लिए कि कोरोना वायरस के एक भी संदिग्ध मरीज की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस है और सबसे बड़ी खबर भागलपुर से यह आ रही है कि अभी जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में एसएसपी आशीष भारती, एसडीएम, डीटीओ, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भागलपुर में जो मस्जिद है, विभिन्न मस्जिद है, जो खानकाह है, उसमें सामूहिक रूप से जो लोग आते हैं, जो नमाज अदा करने के लिए जो लोग आते हैं, उनसे डीएम ने अपील की, खानकाहों के इमामों से अपील की, मस्जिदों के इमाम से अपील की, मस्जिद से जुड़े लोगों से अपील की कि सामूहिक रूप से जो नमाज हो रही है उस पर, उसको लेकर के लोग घर में ही नमाज अदा करें, मस्जिद में ना आए।
कोरोना वायरस को लेकर जिले को लॉकडाउन किए जाने के बाद सोमवार को भागलपुर के बाजारों एवं चौक चौराहों पर एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में उड़नदस्ता की टीम ने वाहनों के परिचालन एवं दुकानों को बंद कराया। भागलपुर के खलीपाबाग चौक, घंटाघर चौक, वैरायटी चौक, लोहिया पुल, गुरट्ठा चौक, तिलकामांझी चौक समेत तमाम जगहों पर खुली हुई दुकानों को बंद कराकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आदेश का पालन करने की बात कही गई। इसके अलावा शहर में चल रहे वाहनों के परिचालन को भी पूरी तरह बंद करने का निर्देश एसएसपी ने दिया। वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए तमाम व्यावसायिक संगठन के आह्वान पर बाजार को बंद रखा गया है। पूरे बाजार में दुकानों पर ताला लटक रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानों को खोलने पर रोक नहीं लगाई गई है। अभियान के दौरान सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज, सीटीडीएसपी राजवंश सिंह समेत काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। कोरोना वायरस के कारण पूरा राज्य लॉकडाउन घोषित है। इसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकलकर सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। सोमवार को पीरपैंती बाजार में सभी दुकानों को खोल दिया गया था। दुकान खुलने की सूचना मिलते ही पीरपैंती वीडियो रज्जन लाल निगम, थानाध्यक्ष राकेश कुमार, अरविंद विशाल, शेखर शर्मा, कालीचरण शर्मा, रामगोपाल केडिया एवं कई सामाजिक कार्यकर्ता बाजार पहुंचे और माइकिंग कर 31 मार्च तक सरकार के आदेश का पालन करने की अपील की। साथ ही वीडियो ने आदेश की अवहेलना करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु खेतान के द्वारा जिले के 15 थानों में माइकिंग के लिए साउंड सिस्टम उपलब्ध कराया गया है। विष्णु खेतान ने बताया कि आपदा की घड़ी में सभी लोगों को आगे आकर मदद करने की जरूरत है, जिससे हमारा राज्य और हमारा देश सुरक्षित रह सके। नोवल कोरोना वायरस के बिहार में पहुंचने के बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नागरिकों से कोरोना संक्रमण के खिलाफ सरकार की मुहिम में सहयोग देने की अपील की है। इधर भागलपुर में भी लॉकडाउन का व्यापक असर दिख रहा है। शहर में कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। बाइक सवार और गाड़ी सवार जो है तो उसको रोक रोक करके जो है तो जानकारी दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से चलना है और पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही मास्क लगाने की भी प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है और इसको लेकर के जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती कई मीटिंग अब तक कर चुके हैं और जिले में किस तरीके से लॉकडाउन को पूरी तरीके से सफल बनाया जाए इसको लेकर के लगातार बैठक चल रही है। सख्त दिशा निर्देश दिया गया है और सख्त दिशा निर्देश दिया गया है और इसका लोग अनुपालन भी कर रहे हैं। जो आवश्यक सेवाएं हैं उसे बाधित नहीं किया गया है। मेडिकल स्टोर खुले हैं, किराना की दुकानें खुली हैं, डायरी खुली है। आवश्यक सेवाओं को इससे लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। लेकिन कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सोमवार को भागलपुर के व्यवसायियों एवं नगर निगम की ओर से सभी बंद दुकानों एवं आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। नगर निगम की स्प्रे मशीन से पूरे बाजार को सैनिटाइज कर लोगों को सड़कों पर कचरा नहीं फेंकने और कोरोना जैसी महामारी से बचाव की अपील की गई। उपमेयर राजेश वर्मा एवं व्यवसायियों ने सभी राहगीरों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। इस मौके पर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज समेत कई व्यावसायिक संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे। नगर निगम के द्वारा आज सैनिटाइजर का छिड़काव पूरे मार्केट क्षेत्र में, फॉगिंग का, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हम लोगों ने नियमित रूप से आज से शुरू किया है और ये पूरी तरीके से साफ सफाई में हम लोग अपने स्तर से सभी पार्षदों से भी यह अनुरोध है कि पार्षद भी पूरी तरीके से अपने स्तर से जो भी उनका आवश्यकता वो आवश्यकता पूरी तरीके से ब्लीचिंग का भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा, फॉगिंग मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएगी नियमित रूप से हम नगर निगम के सभी। बांका बौसी थाना क्षेत्र के कुशवदिया गांव में सोमवार को जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प के बाद गोलीबारी की घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बौसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मन्नू यादव के खेत में अमीर यादव एवं उसके सहयोगियों द्वारा जेसीबी चलाया जा रहा था, जिसका मन्नू यादव ने विरोध किया, जिसके बाद अमीर यादव ने मन्नू यादव पर गोली चला दी। गोली मन्नू यादव के पैर एवं हाथ में लगी है। वहीं गोली की आवाज़ सुनते ही मन्नू यादव के परिजन मौके पर पहुंचे, तभी अमीर यादव के सहयोगियों ने परिजनों पर भी हमला कर दिया। घटना में एक पक्ष के 5 लोग जबकि दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजेश कुमार यादव मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थानाध्यक्ष ने गोली चलाने वाले आरोपी अमीर यादव को हिरासत में ले लिया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Mm-hmm.
बड़े शहरों की तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर पूरे बिहार को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसको लेकर सोमवार को भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले को 31 मार्च तक लॉकडाउन करने की जानकारी दी। DM ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक अनुमंडल अस्पताल में कोरोना वायरस को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा, जहां संबंधित क्षेत्र के कोरोना संदिग्धों की जाँच की जाएगी। DM ने कहा कि संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग है। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर से आने वाले सभी लोग खुद के घर में 14 दिनों तक आइसोलेटेड रहें और कोरोना से संबंधित लक्षण दिखने पर इसकी सूचना अस्पताल को दें। DM ने कहा कि पंचायतों में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं विकास मित्र बाहर से आए हुए कोरोना के लक्षण वाले लोगों का पता लगाएंगे, जिससे समय पर मरीज की जाँच हो सकेगी। DM ने कहा कि सार्वजनिक रूप से कोई भी पर्व त्यौहार नहीं मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक PHC में 12 टीम की तैनाती की जाएगी और शिफ्ट वाइज 4-4 की टीम हमेशा मौजूद रहेगी। साथ ही DM ने कहा कि आवश्यक सामग्रियों के लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण और बचाव के लिए सोमवार को लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम के सदस्यों ने मायागंज स्थित जुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जागरूक किया और स्वच्छ रहने की अपील की। साथ ही क्लब के सदस्यों ने अभियान चलाकर पंपलेट एवं डिटर्जेंट का वितरण किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। लायंस क्लब ऑफ प्राइम के अध्यक्ष सुमित जैन ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही स्वच्छ रहने एवं घरों से बाहर नहीं निकलने की बात कही। वहीं सुमित ने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने 31 मार्च तक पूरे राज्य को लॉकडाउन किया है, जिसका समर्थन सभी लोगों को करना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर अमरपुर अस्पताल में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं सोमवार को अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी ने दिल्ली से आए 15 लोगों का जाँच किया और अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति सिन्हा ने सभी मरीजों को जागरूक भी किया, साथ ही सभी से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। जांच किए गए सभी मरीज दिल्ली से आए थे। किसी भी मरीज में कोरोना होने की पुष्टि नहीं हुई है। जांच किए गए सभी मरीजों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर नोट कर लिया गया है। स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी के साथ डॉक्टरों की टीम सभी गाँवों का दौरा कर बाहर से आए हुए लोगों की जाँच कर रही है। सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि अभी तक एक भी कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज नहीं मिला है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK राय ने सोमवार को विश्वविद्यालय को 31 मार्च तक आंशिक रूप से बंद करने का आदेश जारी कर दिया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी को रोकने एवं बचाव के लिए और लॉकडाउन जैसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय कार्यालय, PG विभाग, अंगीभूत एवं संबंध कॉलेज को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं PRO शंभुदत्त झा ने बताया कि इस दौरान शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को आवश्यक कार्य हेतु कभी भी बुलाया जा सकता है। PRO ने कहा कि इसके पूर्व 14 मार्च को जारी आदेश को स्थिल कर दिया गया है, जिसमें शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी को आवश्यक रूप से कार्यस्थल पर उपस्थित रहने को कहा गया था। बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य को 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित करने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है। सोमवार को अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी के नेतृत्व में अभियान चलाकर क्षेत्र में खोली गई सभी दुकानों को बंद कराया गया। पुलिसकर्मी ने दुकानदारों से 31 मार्च तक दुकान बंद रखने का अनुरोध किया। इस दौरान BDO सरस्वती कुमारी ने कहा कि प्रदेश से आए संदिग्ध लोगों के बारे में सूचना दें, ताकि समय रहते वैसे मरीजों की जांच की जा सके। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कटोरिया बाजार में युवाओं के द्वारा सैकड़ों लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। युवा राजद के जिला सचिव ललन यादव के नेतृत्व में युवाओं ने गली मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों के बीच मास्क बांटे और स्वच्छता बनाए रखने एवं घरों में रहने की अपील की। मौके पर भीषण यादव, कन्हैया, संतोष, राकेश सहित कई युवा मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मायागंज अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड का DM ने किया निरीक्षण, स्वास्थ्य प्रबंधक को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर लगी रोक, धार्मिक स्थलों को किया गया बंद। लॉकडाउन के दौरान आदेश की अवहेलना करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, दुकानों को कराया बंद, लोगों से घरों में रहने की अपील।
महामारी को रोकने के लिए निगम प्रशासन ने चलाया अभियान, बाजारों में सैनिटाइजर का किया छिड़काव। और जमीन विवाद को लेकर बांका में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, आधा दर्जन लोग हुए घायल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।